नमस्कार दोस्तों, मैं अल्फा स्वागत करता हूँ का माइंड वर्ल्ड में। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स न्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। यहाँ पहला अपडेट निकल के आता है एपिक गेम स्टोर की तरफ से, जहाँ उन्होंने 27 अगस्त तक गर्जियन और गॉड ट्रिगर्स गेम को फ्री में अवेलेबल कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये दो गेम्स बहुत ही कमाल के गेम्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग अगले हफ्ते हिटमैन और शैडोन कलेक्शन को फ्री में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल करने वाले हैं, और ये ऑफर 3 सितंबर तक चलेगा। अब दोस्तों ये तो नहीं पता कि एपिक गेम्स ये ऑफ़र क्यों दे रही है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो मैं आपको इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाने जरूर कहूँगा। दोस्तों अगला अपडेट है निंटेंडो की तरफ से, जहाँ उन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है ई शॉप सेल। दोस्तों वैसे तो ये बहुत रेयरली होता है कि निंटेंडो कोई सेल ऑफर करे, लेकिन निंटेंडो ने ये सेल रखा है और वो भी 30 अगस्त तक। तो दोस्तों आपके पास मौका है इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाने का, और अगर आपको सारे गेम्स के प्राइसेस जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिससे आपको सारी गेम्स की प्राइस पता चल जाएगी। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है प्रिंस ऑफ पर्शिया की तरफ से, जहाँ सुनने में ये आ रहा है कि नवंबर के महीने में इसका रीमेक वर्जन आने वाला है, और ये वर्जन स्विच और प्लेस्टेशन 4 में अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों लियाम रॉबर्टसन नाम के एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने ट्वीट करके इस बात को बताया है, लेकिन ये कितना सच है वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये सच है तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि इसकी स्टोरी ओरिजिनल प्रिंस ऑफ पर्शिया से ही होगी। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट निकल के आता है JBL की तरफ से, जहाँ उन्होंने JBL क्वांटम 1 हेडफोन्स को लॉन्च किया है, और उनका कहना है कि उन्होंने इसे प्लेस्टेशन 5 के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों जब प्लेस्टेशन 5 लॉन्च होने वाला था तब सोनी अपने तरफ से पल्स 3D वायरलेस हेडसेट को लॉन्च कर रहा था, इसलिए JBL ने भी सोचा कि वो इस मार्केट में एंटर करे, और उनका यह कहना है कि ये हेडफोन गेमर्स को बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देने वाला है। अब दोस्तों जो इसे प्लेस्टेशन 5 के साथ यूज़ करेगा उसे ही पता होगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, और जहाँ तक JBL की बात है तो एक्सपीरियंस जरूर कमाल का होगा ही। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है ब्लू पॉइंट गेम्स की तरफ से, जहाँ उन्होंने प्लेस्टेशन 3 के एक बहुत ही फेमस गेम डीमन सोर्स का रीमेक बनाया है, और वो उसे प्लेस्टेशन 5 में लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर किसी गेम को रेटिंग मिल जाए तो वो गेम बहुत ही जल्दी लॉन्च होती है, और ऐसा ही कुछ काम ग्रैक ने भी किया है। दोस्तों ग्रैक कोरिया की गेम रेटिंग बोर्ड है, जिसने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके कंफर्म किया है कि उन्होंने इस गेम को रेटिंग दी है। अब दोस्तों इस ट्वीट के बेसिस पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये गेम प्लेस्टेशन 5 में रिलीज़ होगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो हमें प्लेस्टेशन 5 आने के बाद पता चलेगा। खैर दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ये गेम खेला है या नहीं, और अगर आपने ये खेला तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट निकल के आता है हेलो इन्फिनाइट की तरफ से, जहाँ क्रिएटर है जिसका नाम है Duken23, उसका ये कहना है कि उसने करीब 30 से 40 घंटे लगाए हैं हेलो इन्फिनाइट के एक डेमो वर्जन को बनाने के लिए, जो हमें हेलो 5 में मिलेगा। अगर आपको वो लेवल डाउनलोड करना है तो आप उसे हेलो वेपन से कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसके गेम का गेम प्ले है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है एनवीडिया की तरफ से, जहाँ उनका यह कहना है कि बहुत जल्द वो मार्केट में एनवीडिया RTX 3090 लेके आने वाले हैं, और उसकी प्राइस तकरीबन होगी $1400। उनका यह कहना है कि ये नेक्स्ट जेन GPU होने वाला है, इसलिए वो उसे नए नेमिंग सीरीज के साथ लॉन्च कर रहे हैं, और ये न्यूज़ गार्नेट सनसेट ने अपने ट्विटर अकाउंट में कन्फर्म किया है। अब दोस्तों बात करें GPU की, तो खैर फोटो से ही पता चल रहा है कि GPU काफ़ी बड़ा होने वाला है, और इसमें 3 स्लॉट्स होंगे, तो मेरे हिसाब से लैपटॉप के लिए तो खैर सही नहीं होगा, और इसमें मेन प्रॉब्लम है पावर कंजप्शन की। अब दोस्तों इसकी प्राइस है $1400, तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पेक्स बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, लेकिन देखना ये है कि ये कब आता है और क्या ये हमें कमाल का स्पेक्स देता है या नहीं। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है गेम्सकॉम की तरफ से, जहाँ इस साल गेम्सकॉम इवेंट वर्चुअली होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि गेम्सकॉम इवेंट क्या होता है, तो ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ दुनिया भर के डेवलपर्स और पब्लिशर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, और इस साल इस इवेंट करीब 354 पार्टनर्स हैं। अगर आपको इन सारे पार्टनर्स के नाम जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों जियो क्विकले जो इस इवेंट के प्रोड्यूसर और होस्ट है, उन्होंने इस न्यूज़ को अपने ट्विटर अकाउंट में कन्फर्म किया है, और ये इवेंट चलेगा 27 से 30 अगस्त तक। दोस्तों अगर आप ये सब इवेंट देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आप ये सब इवेंट नहीं देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों अगला अपडेट है रेनबो सिक्स सीज की तरफ से, जहाँ उनका ये कहना है कि स्प्लिंटर सेल के मेन कैरेक्टर सैम फिशर इस गेम का पार्ट बनने वाला है। दोस्तों डेवलपर्स का ये कहना है कि इस गेम में सैम फिशर का लुक बहुत ही अलग होने वाला है, और यहाँ पर एक और अपडेट ये निकल के आ रही है कि स्प्लिंटर सेल का नया पार्ट 2021 में आने वाला है। अब दोस्तों ये अपडेट कितना सच है वो हमें 2021 में ही पता चलेगा। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है एक्सबॉक्स की तरफ से,
जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी गेम सेल चालू की है और कुछ गेम्स में तो 65% तक डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज अपने गेम्स को फ्री में बेच रही है, ये तो कम दाम में बेच रही है, लेकिन इसका रीज़न क्या वो तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऑफ़र मिल रहा है तो हमें इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सही प्राइसेस जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। दोस्तों यहाँ फाइनल अपडेट है रॉक स्टेडी की तरफ से, और वहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम में रॉक स्टेडी ने अपना जवाब दे दिया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों रॉक स्टेडी का ये कहना है कि वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ किम मस्क के जो रॉक स्टेडी के सीनियर स्क्रिप्ट राइटर है, उसने यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों देखना ये है कि इस मामले में कंपनी क्या एक्शन लेती है, और अगर बात करते हैं इस इशू की तो एक बहुत बड़ा इशू है जो अक्सर आए दिन होते रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब इस इशू में कोई बात नहीं करता, जिससे ये और भी बढ़ती जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो खुल के सामने नहीं आ पाते। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ गेम्स न्यूज़, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उस नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही गेमिंग से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए माइंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट में फॉलो करें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको डेली बेसिस पर अपडेट चाहिए तो आपको वो कंप्यूटर टाइम में मिलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।